हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेग्रेंस जिंदगी विद सुरभि। आज मैं सीनस डिवाइन होम आई हूँ एंड मैं आपको एक बहुत स्पेशल पर्सन से मिलवाने वाली हूँ जिनका नाम है कैप्टन गौरव चावला। ही इज़ द फाउंडर ऑफ सीनस डिवाइन होम। सो लेट्स गेट टू नो हिज इंस्पिरेशन स्टोरी। तो वहाँ पे मुझे लगा कि मेरे जैसे काफ़ी फैमिलीज हैं, दे डिडंट नो कि लाइक हाउ टू हैंडल मेमोरी लॉस, उनको नहीं पता। और लाइक वो यूज़ टू रन अराउंड फॉर डॉक्टर्स, और आज के टाइम में ये हो चुका है कि वो डॉक्टर्स इतनी मेडिकेशन कर देते हैं, दे ऑल आर एलोपैथिक, और उसके साइड इफेक्ट्स काफ़ी होते हैं। तो देन आई टुक अ डिसीजन, आई कीप माय फादर इन वन ऑफ द गुड़गांव, देयर इज अ प्रीमाइसेस, सो आई यूज़ टू पे देम, I kept it over there. Then on daily basis I used to go to meet it. Then suddenly I found ki nahi, if I can do, I think I must approach for this. Then I started my career into this, or I keep my father along with me. I did everything for my father, royal tube ka dekhna unka, aur tricoscopy ka suctions karna unka, sab cleaner procedure karna, I used to do that. तो आई थिंक उस टाइम मुझे ये लगा कि नाउ आई कैन इनिशिएट विद ऑल दिस थिंग्स, सो आई डिड दैट। सो आपके फादर की जो एग्जामिनेशन डिजीज थी उससे कितना इंपैक्ट पड़ा आपकी जॉब के लिए, जॉब पर क्या आपको मतलब आपने डिसीजन लिया कि उसे छोड़ के इनको अच्छे से देखभाल करोगे आप उनका? क्योंकि उस टाइम आई वाज वर्किंग कंटिन्यू विद मर्चेंट नेवी, सो लाइक आई यूज्ड टू गो बैक, सो माय फादर लुक अराउंड फॉर मी, पूरे प्रीमाइसेस में देखते थे, माय सन इज नॉट अवेलेबल। सो देन माई वाइफ शी कॉल्ड मी अप ऑल द टाइम कि जब आप शिप पे जाते हैं तो देन सिचुएशन बिकम वर्स। देन आई थिंक कि देखिए पेरेंट्स एक ऐसी चीज़ होती है जो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि आपने भगवान को नहीं देखा, पेरेंट्स इज योर गॉड, आप इनको संभाल लो तो इसका मतलब भगवान आपके पास बैठा हुआ। तो देन आई डिसाइडेड कि पैसा इज नॉट एवरीथिंग, योर फैमिली इज इम्पॉर्टेंट, योर कमर्स इज इम्पॉर्टेंट। So then I decided, I suddenly take a decision that I quit right now presently, and I was getting good salary over there, good perks, everything was like fantastic. Then I suddenly decided that I quit my job and I start and I'll stay with my father. Let's see ki upar wala kya chahta hai. Then upar wale ne wahi decision liya ki theek hai aap father saab ke liye kar rahe ho, then I came into this. मैंने थोड़ा फादर का किया था कि कैसे करना है, होता है, शुगर कैसे होती है, एंड देन आई वेंट इनटू द मार्केट एंड देयर आर सो मेनी पर्सन हु चीट मी आल्सो, कि दे सेड कि हां गौरव जी हम लोग आपको साथ देंगे, एंड दे वो कहते हैं ना आपकी किस्मत, आप जब स्टार्ट करते हैं अगर आपके पास प्रॉब्लम आ रही है इट मींस यू आर ऑन अ प्रोग्रेसिव साइड। तो देन सडनली देयर आर सम पीपल दोस हु रिफ्लेक्ट मी एंड दे सेड कि गौरव जी डोंट वरी,
विल हेल्प यू आउट ऑन द मेडिकल ग्राउंड्स, और हम लोग आपको स्टाफ देंगे, विल कीप अ डॉक्टर विद यू, हम लोग आपको बताते हैं कि आपको किसको अप्रोच करनी है, सो दैट जैसे आप लेमन थे एक टाइम में, आप उन फैमिलीज तक आपका डिवाइन होम के बारे में पता चले, एंड दे अप्रोच यू, एंड देन आई स्टार्टेड, एंड देयर आर सम टाइम दे यूज़ टू कम लाइक, यहाँ डिफरेंट फैमिलीज आती हैं, डिफरेंट अप्रोच होती है, डिफरेंट एंगल्स होते हैं, सो वो करते 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 इसने मुझे चीज़ सिखा दी कि हाउ टू एग्जीक्यूट, और मुझे उन चीज़ों से बाहर कैसे निकलना है, बिकॉज देर आर सो मेनी फैमिली, दे रिस्पेक्ट मी अबाउट, दे सेड कि गौरव जी देखिए, एक पैसा कमाना इज समथिंग डिफरेंट, बट यू आर ऑन अ ह्यूमैनिटी ग्राउंड, सो विच इज़ एंटायरली डिफरेंट, और वो लोग कहते हैं कि गौरव जी हम भी चाहते हैं आपके साथ सेवा करें, बट वी डोंट गेट दैट मच टाइम, सो बट दीज आर द ब्लेसिंग्स यू विच यू शुड कम. थैंक यू फॉर शेयरिंग सो मच. एंड आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें किस टाइप की आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? यहाँ पे बेसिकली वी डील इन टू मेडिकल. ओके. रीजन मीन देखिए, टू कीप अ हेल्दी सीनियर सिटीजन इट्स वेरी इजी टास्क, वेरी इजी. कहते हैं काम वैसा करो जो दुनिया आपको पहचाने. राइट. टू कीप अ मेडिकली अनफिट दोस हु आर हैविंग सम मेडिकल इश्यूज और आप उसको ठीक करते हैं, तो वो सीनियर सिटीजन भी खुश है, उनकी फैमिली दे आर हैप्पी. So we basically concern on the medical grounds. We have like, we have oxygen cylinder, we have a suction machine, we have a nebulization, we have, there are so many other equipments we are having, like oxygen concentrator we are having. So here the doctor used to come, we have a nursing staff for 24 hours, we have all the attendant for 24 hours, we have laundry guys for 24 hours, nice. And food and everything, everything is in out. Like for nothing you are supposed to go out. Like let's go there, I'll give you an example. If somebody is having a breathing issue, then definitely you go for the hospital. Right. And you know that nowadays the hospitals are so much professional, they'll ask for so like a heavy amount from the family. Then the family used to say because they cannot go for all the time. Right. So for these all small services, they are not supposed to go to the hospital. That all these basic services we are having. So then they feel कि हाँ, एक कहते हैं ना, एक छत के नीचे सब कुछ है, 360 degrees exactly. But किस type के patients आते हैं आपके? Like we are having dialysis patient, cancer patient we are having those who are having tracheostomy. Like for that we used to do suctions. We have a right tube patients. We have BP patient. We have a heart. Like there are so many medical lines. So these type of patients we used to. I don't want to say these are the patients, they are my father and mothers. Yeah. It's like a family. It is a family. So, aapne, aapke dimag mein kaise aaya ki seniors divine home hi rakhna hai aur kya values aap reflect karte hain? Dekhiye, ye bada basic concept hai, if I pronounce our seniors divine home. Aapko pata hai, home is like a ghar. Yeah. Ek senior citizen ko aap ek ghar se utha ke dusre ghar mein la rahe hain. So, उसका एक साइकोलॉजिकल पैरामीटर इज ऑलवेज बैलेंस. ही नेवर एवर थिंक दैट इज गोइंग टू आर हॉस्पिटल और टू आर नर्सिंग होम, क्योंकि आप जब वो थॉट देते हैं कि एक सीनियर सिटीजन हॉस्पिटल, साइकोलॉजिकल एग्जैक्टली. सो दिस इज अ होम एंड डिवाइन इज टू बी कनेक्ट विद द गॉड. सो इट्स अ डिवाइनली स्टफ वी आर प्रोवाइडिंग ओवर हियर. आप एक इंसान जो बिल्कुल लास्ट पोजिशन पे है और आप उसकी सेवा कर रहे हैं, तो कहते हैं ना, वो भगवान से वो चीज़ें कनेक्ट होती है. वो आप नहीं कर रहे होते, भगवान आपसे करवा रहा होता है. एंड सीनियर इज द नॉर्मल दैट वी यूज्ड टू कीप अ सीनियर सिटीजन. सो ऑन दिस ऑल पैरामीटर आई केप्ट इट एज अ सीनियर सिटीजन. वेरी नाइस एंड यूनिक नेम, बहुत ही सोच के रखा है आपने. थैंक यू. सो सर, ये बताइए कि आप अल्जाइमर्स पेशेंट्स के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं? बेसिकली मैम देखिए, इफ आई टॉक अबाउट एज अ लेमैन, कि लेट्स सपोज मेरे घर में एक सीनियर सिटीजन है एंड ही सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर और डिमेंशिया और डिप्रेशन, तो वॉट इज़ माई फर्स्ट ले ऑफ एक्शन इज आई मूव टू आर न्यूरोसर्जन, न्यूरोसाइकेट्रिक, एंड देल प्रिस्क्राइब मी सो मेनी मेडिसिन, बट दे डिडंट टोल्ड मी द बेसिक थिंग कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है. कहते हैं एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनमें से एक इंसान जब ये दुनिया छोड़ देता है तो दूसरा इंसान दे लुक आफ्टर फॉर समवन, बिकॉज बच्चे हैं, दे आर वर्किंग, बिकॉज दे हैव देयर ओन फैमिली, सो दे हैव टू थिंक ऑफ दैट ऑल्सो. तो वॉट दे यूज टू डू, अब वो एक इंसान जो अकेला घर में बैठा हुआ है, आइदर ही विल वॉच अ मूवी और शी विल वॉच अ मूवी, उसके लिए कोई बात करने वाली नहीं है. अब उस इंसान को खाना नहीं चाहिए, उस इंसान को दवाई नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि उससे कोई बात करने वाला हो, उसके साथ 10 लोग हों, उसको दो वक्त कोई प्यार से बात करते हैं.
अगर ये एटमोसफियर उसको मिलता है देन दे डोंट कम इन टू डिफ्रेंशियल एंजाइमर और डिमेंशिया, वो दीज आर थ्री डिफरेंट कैटेगरीज। अब वो एक इंसान है, आपने देखा वो कभी भी आपको डॉक्टर नहीं बोलेगा कि वाटर थेरेपी इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, दे डिडंट डू इट बिकॉज वो आपको प्रिस्क्राइब मेडिसिन करेंगे कि आप देखिए उसके बाद प्रॉब्लम जोर पड़ेंगे, बिकॉज आप पूरे वर्ल्ड वाइड देख लीजिए इसका इलाज मेडिसिन नहीं है, इसका इलाज होता है आपको लोगों में ज़्यादा रखना है, आपको इनको वाटर थेरेपी करनी है, इनको गेम्स में करना है, इनको सोशलाइजिंग करना, बिकॉज अगर आप इनका बेसिक बैकग्राउंड देखेंगे ये अपने टाइम में बड़े सोशल रहते हैं, दे आर लाइक अ बिग बॉसेस, तो उनको वही एनवायरमेंट अगर आप वापस देते हैं देन दे बिकम नॉर्मल। मैं ये नहीं कहता कि ये बीमारी ठीक हो जाती है, बट जो उसकी स्टेजेस हैं लेट्स सपोज एक से दूसरी से में उन्होंने 6 महीने या 1 साल में आना है, तो जब आप ये एटमोसफेयर चेंज करते हैं तो उसी पैरामीटर्स को वो 2 साल या 3 साल ले जाता है, सो दे विल हैव अ गुड लाइफ। तो उससे क्या है वो अल्जाइमर डिमेंशिया उनका कंट्रोल में रहता है, कभी भी इनको अंधेरा नहीं दीजिए, हमेशा इनको प्यार से रखिए, कभी इनको ना मत दीजिए क्योंकि इनको ना सुनना पसंद नहीं होता, आप इनको इनडायरेक्टली किसी दूसरे काम में डाल दीजिए, सो देन दे विल फील गुड। काफी पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट आपने क्रिएट किया है। तो सर ये बताइए कि सीनियर्स डिवाइन होम ने कितना इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट किया है रेजिडेंट्स की फैमिली के लिए, उनके लिए? देखिए मैम, लेट्स सपोज इफ यू हैव एनी सीनियर्स रेजिडेंट एंड यू डायरेक्टली कम टू मी थ्रू माय वेबसाइट और थ्रू सम रेफरेंस, डेफिनेटली आप कुछ ऐसी चीज चाहेंगे जिससे आपके पास ट्रस्ट आए, क्योंकि आप अपना एक सीनियर सिटीजन मेरे पास दे रहे हैं एंड इट इज ऑल माय रिस्पांसिबिलिटी टू टेक केयर। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे कभी फ़ोन करके आइए कभी कुछ, आपका सीनियर सिटीजन मेरे पास है, देर आर द टाइमिंग्स ऑन डेली बेसिस, यू कैन डायरेक्टली कम टू अस एंड यू सी व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, व्हाट वी यूज़ टू डू, आई विल मेक अ ग्रुप विद द फैमिली, इट्स अ व्हाट्सएप ग्रुप, उनकी ऑन एवरी वीक डेज उनकी कुछ ना कुछ वीडियोज या क्लिप्स वो उनके साथ हम शेयर करते हैं, एग्जैक्टली अगर उनको फीवर भी आ रहा है तो दे आर ऑलरेडी अवेयर कि दैट फीवर इज कमिंग आउट एंड एज पर आर डॉक्टर व्हाट मेडिसिन वी आर गिविंग, व्हाट इज द लाइक आई कैन से पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड व्हाट इज द नेगेटिव एस्पेक्ट वी आर गोइंग टू हैव, उनको हर चीज़ हम लोग क्लियर करके चलते हैं, बट देर आर सो मेनी सेंटर व्हाट दे यूज टू डू कि हर चीज़ हिडन में हो रही है, इफ यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद द सीनियर सिटीजन यू कैन नॉट, यू हैव टू गिव अ प्रायर अपॉइंटमेंट और आपको 2 घंटे पहले पता के आना है, हेयर इज नथिंग एट ऑल, यू डायरेक्टली कम टू अर, आप देखिए क्या हो रहा है, कभी ऐसा नहीं होता कि उनकी वीडियोस कंटिन्यू शेयर हो रही हैं, अगर एक सीनियर सिटीजन लेट्स सपोज कोई गेम सेक्शन हो रहा है वो सीनियर सिटीजन नहीं आ रहा, व्हाट वी यूज टू डू हम दूसरे सीनियर सिटीजन्स को बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनको अपने साथ लेके जाइए, तो वो ऑटोमेटिकली वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है, व्हेन दे फैमिली सी तो दे ऑलवेज थिंक कि हम लोग इतनी दूर बैठे हैं, देयर आर सो मेनी फैमिली दे आर अब्रॉड, सो दे ऑलवेज सिंग कि हाँ यहाँ वो चल रहा है, माई मदर और अदर फादर दे आर हैप्पी, सो दे फील कम्फर्टेबल कि जो हम लोगों ने सीनियर डिवाइन उनको अपनी लाइफ में एनरोल किया है दैट्स अ गुड साइन, बिकॉज यहाँ पैसा मैटर नहीं कर जाता, मैटर कर जाता है वो फैमिली और हमारा एक ही मोटिव होता है कि दैट सीनियर सिटीजन हैज टू बी हैप्पी एट ऑल द टाइम, देखिए उनकी जितनी बची हुई जिंदगी है वो खुशी खुशी निकले तो वो हमें भी अच्छा है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमें दुआ ही देगा, और कहते हैं पैसा काम नहीं करता वो दुआएं काम करती है, गुड कर्म इज ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर। सो सर ये बताइए कि आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उन फैमिलीज को जिनके फैमिलीज में भी सेम प्रॉब्लम है अल्जाइमर्स डिजीज की? हम देखिए द फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज कीप सेइंग टू ऑल द फैमिली दोस हु कम, इफ यू सी दैट सीनियर डिवाइन होम वो कहते हैं नहीं इट इज अ ओल्ड एज होम, आई डोंट थिंक सो इट इज अ ओल्ड एज होम, बिकॉज ओल्ड एज होम एक ऐसा जगह होती है जहाँ पे आप एक सीनियर सिटीजन को रखे जाते हैं एंड यू फॉरगेट राइट, दिस इज आई कैन से इट इज़ असिस्टेड लिविंग, असिस्टेड लिविंग मीन्स इफ आई प्रोनाउट इज दैट कि जहाँ पे आपका सीनियर सिटीजन है जो सर्विसेज आप नहीं दे पा रहे हो जो आप देना चाहते हो उसमें हम आपको सपोर्ट देते हैं, सो दिस इज कॉल्ड असिस्टेड लिविंग, दिस इज नॉट अ कंसेप्ट एज अ ओल्ड एज होम। द सेकेंड थिंग यहाँ पे ये है कि जो अल्जाइमर पेशेंट्स होते हैं इनको कृपया प्लीज़ और प्लीज़ इनको कभी अकेला मत छोड़िए, इनको हमेशा शार्पन ऑब्जेक्ट से दूर रखिए, इनके आसपास लोग रहने चाहिए, इनको कभी अकेला बाहर मत जाने चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, व्हाई दे अप्रोच टू मी, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच टाइम, आई डोंट थिंक सो कि द फैमिली इज़ रॉन्ग, देखिए उनका भी सर्वाइवल है, उनको भी आगे रन करने के लिए अपनी फैमिली के लिए दे नीड अ मनी, सो दे अप्रोच ओवर हियर, दे से कि हाँ वो ये एनवायरनमेंट देखते हैं, देखिए
कहते हैं ना जब आपके घर में प्रॉब्लम आती है सो यू आर द बेटर जज सो आई हैव सीन ऑल दिस थिंग्स इन माय हाउस तो आई नो हाउ टू हैंडल एंड हाउ टू अकोमोडेट एंड हाउ टू डू एवरीथिंग सो वंस दे विल कम ओवर दे विल सी की व्हाट एग्जैक्टली डू एंड देयर इज माय वेबसाइट आल्सो ऑन द नेम ऑफ सीनियर्स डिवाइन सो ऑल दीस वीडियोस इज ओवर देयर देखिए मेरे को ये डिवाइन होम रन करना लाइक इट बिकम अ वेरी इजी फॉर मी रीजन बीइंग आई वाज इन टू मर्चेंटरी और वहाँ पे सोने के लिए हमेशा बहुत लिमिटेशन होती है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू देयर आर सम फिजिकल वर्क देयर आर सम पेपर वर्क देयर आर सो मेनी थिंग्स बिकॉज आप अलग अलग कंट्री में मूव ऑन कर रहे हैं सो यू हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम टू स्लीप ये काम भी इट इज लाइक 24/7 सो लाइक इफ आई गो बैक समवेयर बाय 10 और 11 इन द इवनिंग Suddenly I got a call ki ek senior citizen ha usi tabiyat kharab aa rahi hai so I cannot say that I'm feeling sleepy or I want to sleep or I want to have my meal I have to come back because wo ek insaan hai wo aap insaan ko dekh rahe ho to aapko ye answer nahi dena that I'm not feeling good I have to rush to mere liye isko manage karna become very because mera wo sleeping hours is very limited if I get a 4 hours sleep I'm comfortable schedule ban gaya tha na aapka to usse schedule ban gaya to aur usi schedule mein main wapas aa gaya तो इट बिकम ईजी फॉर मी इट इज नॉट अगर एक कोई लैंड पे कोई जो इंसान काम कर रहा है उसके लिए बिकम अटाउ क्योंकि देखिए एक इंसान है 11 बजे जाता है आज कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं आज वेदिक में भी कहा जाता है एटलीस्ट यू नीड टू हैव अ 6 to 7 आवर्स स्लीप बट फॉर मी 4 आवर्स इज ओके बिकॉज आई गो फॉर मेडिटेशन तो आई फील वेरी रिलैक्स तो मेरे लिए ये काम करना भी इज नॉट अ बिग डील So Sai, thank you so much for sharing so much of information about your organization, about your life and everything. So अब मैं last question पूछने वाली हूँ आपसे. आपके future plans, aspirations क्या हैं Seniors Divine Home के लिए? मैम देखिए, what I believe because I do meditation, I go to Brahma Kumari Center. Oh nice. So in Faridabad only? In Faridabad only. Which sector? Sector 43. So 93. Yeah. There are so many centers. सो वॉट आई फील कि मेरा मोटिव लाइफ में है कि मैं इस दुनिया में किसी को दुख देने नहीं आया मैं जितना हो सकेगा मैं लोगों को सुख दूंगा मेरा यही मोटिव है तो जितने लोग ऐसे सीनियर सिटीजन मेरे पास आएंगे और कहते हैं ना आप जब किसी के लिए अच्छा करते हो ना आपके दिल से एक अंदर से आवाज़ आती है दैट यू हैव डन समथिंग गुड फॉर द ह्यूमैनिटी ग्राउंड और फॉर द सोशल कॉज तो मेरा मोटिव यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर सिटीजन सुंदर सा प्रमाइसेस हो दे और मैं जब आऊँ मेरे पास आसपास 20-25 सीनियर सिटीजन खड़े हों और मैं उनसे अपनी लाइफ की डिस्कशन करूँ बिकॉज देखिए मेरी भी पर्सनल लाइफ है मेरे में भी प्रॉब्लम्स आती हैं सो आई ऑलवेज थिंक कि मेरे पेरेंट्स खड़े होंगे और इनसे बढ़ के वो उनका मेरा कोई ब्लड ले बट वो अंदर ही अंदर एक हमारा कनेक्शन बन चुका है तो आई ऑलवेज टॉक टू देम कि आंटी मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है नाउ आई हाउ टू हैंडल दैट तो वो मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं विच आई फील गुड तो मुझे यही है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों और मैं उनके साथ सारा दिन बैठूँ मैं खाना भी उन्हीं के साथ ही खाऊँ विच आई लाइक समटाइम माई वाइफ शी इज़ देयर सो शी ऑलवेज यूज़ टू से कि चलो आज हम सीनियर सिटीजन्स के साथ ही खाना खाएंगे तो हम सुबह आ जाते हैं ब्रेकफास्ट लंच टी टाइम डिनर विल स्टार्ट विद द गेम एंड एवरीथिंग मतलब हम लोग डेली आते हैं यहाँ पे हमारे लिए देखिए मुझे नहीं पता पब्लिक दिवाली होली कैसे मनाती है मुझे तो मेरे सीनियर सिटीजंस होते हैं तो मिले दिवाली होली को अपन ने एवरी डे बेसिस थैंक यू सर थैंक यू कैप्टन चावला आपने काफी इंफॉर्मेशन शेयर करी एंड दैट वाज स्मॉल इंटरव्यू विद हिम एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा एंड कोइंसिडेंस है कि आज फादर्स डे है और इन्होंने मतलब स्पेशली अपना टाइम दिया मुझे आज के दिन एंड सेकेंडली इन्होंने इनकी जो स्टोरी है काफी इंस्पिरेशनल है इनके फादर्स से इंस्पायर होते ही इन्होंने सीनियर्स डिवाइन होम स्टार्ट किया था एंड काफ़ी इम्पैक्टफुल लगी मुझे ना आई होप आप लोगों को भी लगी हो सो बस दैट इज ऑल आई वांटेड टू शेयर विद सर एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड गाइस आई एम साइनिंग ऑफ एंड आई होप यू विल शेयर दिस स्टोरी एज मच एज यू कैन बाय बाय